करना डीएसपी साहब अभी लगभग आपको एसपी साहब ने कहा एग्जाम में काफी दिन हो गए हैं। हाँ डेढ़ महीना हो गया है। चार दे भाई हुआ, मैं तो 8-9 सब बार आ लिए यहाँ से, 8-9 बार आ लिए जी, आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं कंप्लेंट नहीं की। कब आपकी बेटी को ऐसे उन्होंने किया था टॉर्चर करना, कब स्टार्ट किया था? 1 महीने पहले, 2 महीने पहले? अब ये नौरतो में गई थी, उसके बाद बात थे सारी तकलीफ, उसके बाद बात था। 5 अप्रैल को वो मेरे पास आई थी और 5 अप्रैल को नौरतो में आके वो बोली मम्मी मेरे को पैसे चाहिए। मैं बोली बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे ला। पैसे किस चीज के लिए मांग रहे थे? वो दहेज मांग रहे थे। हाँ वो दहेज मांग रहे थे। अपना नाम तो वे लेते नहीं थे, मेरी लोंडी को कहते थे, मेरी लोंडी को तंग करते थे। अब पीछे ले अपने बाप से, पीछे ले अपने बाप से, पीछे ले हम नहीं मांग रहे, अपने बाप से पीछे ले। फिर हमने कहा बेटे हमारे पास पैसे नहीं है। बोले मम्मी पैसे दे दो, वरना फिर लड़ाई। पहले भी हमने 20,000 रूपए दिए थे नोटों से पहले, वो मेरे पास पैसे मांगने आए, मम्मी पैसे दे दो वरना मेरे को मारेंगे फिर पिटेंगे। मैं बोली बेटे कोई बात नहीं, तू ऐसा कर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू 10-5 दिन में फिर आ जाना, मैं फिर दे दूंगी। फिर उसने फोन करके कहा मम्मी, मैं कहा मेरे नंदोई आएगा, आप उनको दे देना, वो बैंक में अपने आपको शिफ्ट करवा देंगे पीछे। मैं कहा ठीक है बेटा। मैंने 20,000 रूपए उनको दिए थे उसके नंदोई को, उसके नंदोई ने पता नहीं हमें बैंक में जमा करवाए कि नहीं करवाए, लेकिन मैं तरफ तो पीछे चले गए उनके। तो अभी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि समझौता करो आप। नहीं हम समझौता नहीं करेंगे, नहीं हमारे पास कोई नहीं आया। लोग मैं आपस में ही औरते ही कहते फिर एक भाई समझौता करवा दो, हमारा समझौता करवा दो, लेकिन हम समझौता करवाने पे मजबूर है। साफ है ये तो कि उन्होंने ही मारा है। हाँ उन्होंने मारा ही, उन्होंने ही मारा जी। लड़की मरने वाली नहीं कर रहे किसी हिसाब से, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा क्योंकि सबके मुंह में पैसे भर गए। मैं तो यही बात कहूंगी, जब पैसे पुलिस पैसों पर तुल रही और कुछ नहीं हो रहा, जब पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही तो क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? पुलिस पैसे खाओ बट्टी, इस वजह से कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। आप लोगों से कोई बात नहीं कर रहे हो? नहीं हमारे पास कोई बात नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास ना हमारे पास कोई आया। कभी कहता है हम 2 दिन में फोन करेंगे, कभी कहता है 4 दिन में करेंगे। हम जाते हैं एसपी साहब से, वो जब भी जाते हैं हम एसएचओ के जाते हैं या डीएसपी के जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ एसपी साहब से मिलो, उनके आदेश पे छूट रहे हैं। हमने नहीं छोड़े, हुए एसपी साहब ने छोड़ रखे हैं। अभी कितनी बार मिल चुके हो आप एसपी साहब से? हम आज 4 बार मिल, चौथी बार आ चुके हैं। डीएसपी पास भी 2 बार चले गए, एसएचओ पास भी 3 बार चले गए। अभी क्या कह रहे हैं ये कि 2 दिन? अब कहते हैं कल का टाइम दिया उन्हें, कल आपको बुलाएंगे हम। ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको, इतने दिनों से आपको भटका रहे हैं ये लोग? भटका रहे हैं या भटकाते रहेंगे दिख रहा है, पूरा हमारे पूरे इन पर विश्वास नहीं रहा, पूरा प्रशासन से विश्वास हट चुका है। ये तो हर रोज लारे मार रहे हैं, फिर भी हम इनका पेंडेंट छोड़ेंगे, फिर हर रोज इनके दर पे आगे बैठेंगे। हमने तो कह दिया है बात, हर रोज आएंगे, हर रोज इनको अपील करेंगे, जाके अपील करेंगे। नहीं मानते ना फिर हम क्या कर देंगे दरखास्त आगे करेंगे, आगे ये करना नहीं है, नहीं करना करना आगे, बहुत बड़ा आदमी बैठा, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री का दौरा कर देंगे हम रिपोर्ट, अगर नहीं मानते हैं फिर बनता तो ये भी उठने उठेंगे, फिर ये अपने आप पाप दे फिरेंगे, फिर इन्हें नुरानी पड़ेगा हम कहाँ फंस गए कहाँ नहीं। अगर ये नहीं मानेंगे ना इस बात में, हम 2-4 दिन में कर देंगे बस।